वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। ई टू दी पार एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है, कैसे प्रूव करते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सभी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सिखा देती हूं एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव रहेगा तो आंसर होगा एक्सपोनेंशियल इनटू एफ एक्स प्लस सी। एक्सपोनेंशियल इनटू एफ एक्स प्लस सी। अब मैं इसका प्रूफ बताती हूं कि आखिर ये रिजल्ट कैसे आया। तो आप समझिएगा ई टू दी पार एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, यही तो था आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही था। मैं इसे दो टुकड़े में बदल लेती हूं। कौन कौन से में समझ लेते हैं। मैं बदल लेती हूं दिस इंटू दिस, और फिर मैं बदल लेती हूं प्लस दिस इंटू दिस। मैं इन दोनों में बदल ली। अब आपको क्या करना है, इसे कुछ भी नहीं करना है, सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में बाई पार्ट्स लगाना है। जरा बताइएगा, जब आप फर्स्ट पार्ट में बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे और सेकेंड फंक्शन किसे मानेंगे। क्या आपको आइलेट रूल याद है? आइलेट में ई एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल यानी लास्ट, और ये फर्स्ट, ये फर्स्ट ये सेकेंड। मैं आइलेट रूल लगा रही हूं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा पहला कॉपी, ये दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला डिफरेंशिएट, पहला का डिफरेंशिएट इनटू दूसरा का इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। थोड़ा सा और समझ लेंगे। और ये तो हमारे पास पहले से था, क्या था पहले से, प्लस ई टू दी पार एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। यहां समझ लेंगे एफ एक्स ई टू दी पार एक्स का इंटीग्रेशन सेम, एफ डैश एक्स ई टू दी पार एक्स का इंटीग्रेशन सेम टू सेम, प्लस ई टू दी पार एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। जरा गौर से देखिए, जो यहां पे माइनस में है वो सेम टू सेम यहां पे प्लस में है। इट मीन्स दीज टू कैंसल्ड आउट और हमारा फाइनल आंसर आ गया दिस इंटू दिस प्लस सी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का, इसलिए अब मैं डायरेक्ट बोल रही हूं कि ई टू दी पार एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स ई टू दी पार एक्स, इसलिए इसका आंसर होगा e टू दी पार एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब यहां तो मैंने प्रूफ कर दिया कि रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी के बाद इस टॉपिक का उपयोग मैं बहुत सारे क्वेश्चन में करूंगी। सबसे पहले तो अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लूं तो स्टेट बोर्ड आज तक हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछती है, सब्जेक्टिव में पूछती है 4 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव में पूछती है 1 मार्क का। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, पहले मैं ऑब्जेक्टिव करवा लूंगी 5-6, तब सब्जेक्टिव में 4 ही वैरायटी है, वो चारों डिस्कशन कर लूंगी एक एक करके। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करती हूं। हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं।
हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें इसे क्या करना है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स में करना है। तो समझ लेते हैं मैं इसमें कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स। मैंने मान लिया एफ एक्स वन अपॉन एक्स, मैंने मान लिया एफ एक्स को वन अपॉन एक्स। इसे डिफ्रेंसिएट कर दूंगी वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अब मैं इस क्वेश्चन को लिख सकती हूं ई टू दी पावर एक्स, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है इंटू डी एक्स। क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट होता है ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स हमने लिखा है एफ एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस सी। अब आप ही देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए में बी में सी में या डी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। गौर से देख लीजिए अब हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। आगे से ऑब्जेक्टिव में हम लोग इतने स्टेप्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट का डायरेक्ट नजर आ रहा है। अब डायरेक्ट ऑप्शन में लिखेंगे कि e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। कभी कभी आज तक पिछले 15 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इसका प्रूफ पूछा है, इसीलिए तो मैंने बताया है क्योंकि एक बार तो पूछा है ना। हम लोग प्रूफ को एक बार आप देख लीजिए समझ लीजिए और आगे से रिजल्ट ध्यान रखिएगा। e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, धीरे धीरे अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है e टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैं जानना चाहती हूं अगर इसे एफ मानू तो क्या ये एफ डैश है। नो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, माइनस कॉस नहीं होता है। इसलिए मैं एज्यूम कर लेती हूं साइन को एफ नहीं मानूंगी, मैं कॉस को एफ मान लेती हूं, मैं इसे एफ एक्स मान लेती हूं। अब इसको डिफ्रेंसिएट कर देती हूं। एफ डैश का मतलब माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स हो गया हमारा ऐसा। इट मींस इस क्वेश्चन को मैं लिख सकती हूं पहले ऐसा तब ऐसा। अब आप गौर से देख सकते हैं ये क्या बन चुका, ये बन चुका है एफ आपके सामने है और ये प्लस साइन एक्स बन चुका है एफ डैश। ये एफ है ये एफ डैश है। ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, हमारा करेक्ट आंसर होगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। इंटू एफ एक्स का मतलब दिस वन, माइनस से इंटू कर लेंगे माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बात बता दूं आपको कि इन क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ एफ चूज करना था। इसका रिजल्ट होता है e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का आंसर e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। हम लोग चाहें तो यहां रिजल्ट लिख सकते हैं आपके लिए e टू
द पावर एक्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स आंसर होगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। जरा इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं, ये होमवर्क वन जल्दी से आंसर करिएगा। अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तुरंत, जस्ट नाउ यू हैव टू रिप्लाई होमवर्क वन, ऑप्शन ए बी सी और डी। आप तो जानते ही हैं कि जैसे ही आप रिस्पॉन्ड करेंगे तुरंत मेरा रिप्लाई आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, यस योर आंसर इज करेक्ट। अगर गलत होगा तो आपको मेरा रिस्पॉन्ड मिलेगा, इट सीम्स टू बी रॉन्ग, ट्राई अगेन, रिपीट, स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास e टू द पावर x tan x प्लस log sec x। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये f है तो ये f डैश, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, क्या यहां लिखा हुआ है sec स्क्वायर, नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसे मान के चेक कर लेती हूं कि क्या है। मैं मान लेती हूं लेट एफ एक्स बराबर लॉग sec x, एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इस sec x का sec x इंटू tan x। आ गया ना एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया tan x। इसका मतलब मुझे पता चल चुका अब e टू द पावर x, ये है एफ डैश एक्स प्लस ये पूरा का पूरा है एफ एक्स इंटू डी एक्स। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। हमारा करेक्ट आंसर होगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं थोड़ा आपको ऊपर करके दिखा देती हूं, कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, मतलब एफ एक्स मैंने माना लॉग sec x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है e टू द पावर x log sec x प्लस सी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है आपके लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, जैसा मैंने ये क्वेश्चन करवाया है सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। होमवर्क टू जरा जल्दी से रिप्लाई करिएगा, होमवर्क टू योर ऑप्शन ए बी सी और डी, इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आप देख सकते हैं। पुराने वाले में अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो मैंने दिखा दिया ऊपर करके थोड़ा सा, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले e टू द पावर x sec x इंटू वन sec x इंटू tan x इंटू dx। आखिर होता क्या है, हमें तो साफ दिख रहा है किसका डेरिवेटिव कौन, अगर ये f है और ये f डैश है, sec का डेरिवेटिव sec इंटू tan तो होता ही है। हमारे पास रिजल्ट है e टू द पावर x f x प्लस f डैश x इंटू डी एक्स का आंसर e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली
ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स के जगह पर है सेक एक्स, इस एफ एक्स के जगह पर है सेक एक्स प्लस सी। आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक एक्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बच्चे आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे एनडीए में भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खासियत है, पांच बार बोर्ड ने पूछा है, सीबीएसई बोर्ड ने तीन बार पूछा है, स्टेट बोर्ड ने दो बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है। जब सीबीएसई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा करती थी तो ये वन मार्क में पूछती थी। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ये अपने आज के इस टॉपिक का नहीं है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मुझसे छूट गया था, आज मैं इसको डिस्कस कर रही हूं। अगर मैं इसे टी मानूंगी तो ये डी टी हो जाएगा। पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² dx इक्वल टू डी टी। यहां एक्स स्क्वायर है, 3 हटाना है, इस एक्स स्क्वायर के जगह पर मैंने 3 को हटा दिया। ये कैसा क्वेश्चन बन गया देख लेते हैं। ये हो गया ई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के बदले टी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले डी टी अपॉन 3। अब समझ लेते हैं, 1/3 कॉन्स्टेंट ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर टी प्लस सी। इस टी के जगह पर एक्स क्यूब है, इसलिए हमारा आंसर ई टू दी पावर एक्स क्यूब। अच्छे से समझा देती हूं यहां कि क्या होगा। हमें पहले से पता है e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम, और t की वैल्यू पुट कर दूंगी, t की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस सी। अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जरा चेक करके बोलिएगा, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। साफ साफ नजर आ रहा है कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव डन। अब सब्जेक्टिव, 4 मार्क्स क्वेश्चन पे चलती हूं। 4 मार्क्स क्वेश्चन, टोटल मैं 4 क्वेश्चन करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बस उसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा पूरा समझिएगा। हम चाहते क्या है इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। मैं क्या चाहती हूं, ये है e टू दी पावर एक्स, और ये अगर ये ऐसा है, मैं क्या चाहती हूं सुन लीजिएगा, मैं चाहती हूं e टू दी पावर एक्स है, इसे 2 फंक्शन के सम के रूप में लिखना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में लिखना। मैं क्या कर रही हूं, इसके सेम बनाती हूं। 1+x नीचे लिखा हुआ है, नीचे 1+x लिखा है, इसके सेम बनाऊंगी तो x में 1 जोड़ दूंगी, 1 घटा दूंगी, क्या बन जाएगा, अलग अलग सेपरेट कर लेती हूं। यहां मैं इतना अपॉन होल स्क्वायर, इतना अपॉन होल स्क्वायर ऐसा आ गया, 1/होल स्क्वायर। अब आपको बताना है ई टू दी पावर एक्स क्या ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है। मैं चेक कर लेती हूं, अगर ये एफ एक्स है
तो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो हाँ, ये तो है उस फ्रेम में आ चुका है। मैं इसे किस प्रकार से लिख सकती हूं? मैं लिख सकती हूं एज वी नो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसलिए मैं यहां डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूं ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। हमें काम क्या करना है? जब कभी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन रहे, आपको एक ही बात विशेष ध्यान देना है कि इस टर्म को सम ऑफ टू टर्म में कन्वर्ट करना है इस प्रकार से कि पहला टर्म एफ एक्स हो जाए, दूसरा टर्म एफ डैश एक्स हो जाए। क्योंकि इसका फॉर्मूला यह होता है, इसलिए इस इतने के बराबर मैं डायरेक्ट बोलूंगी ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। दो अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, काफी कुछ आइडिया लगेगा इससे आपको, समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स। अब जो नजर आ रहा है यहां एक्स माइनस थ्री अपॉन दिस वन, मैं क्या कर सकती हूं चेक करिएगा। ई टू द पावर एक्स इंटू दिस वन, मैं चाहती हूं इस एक टर्म को सम ऑफ टू टर्म्स के रूप में लिखना है। मैं चाहती हूं इस एक टर्म को सम ऑफ टू टर्म में लिखिए इस प्रकार से कि पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव हो जाए। क्या कह रही हूं मैं? इसके सेम बनाना चाहती हूं। नीचे x माइनस वन है, नीचे x माइनस वन है, तो ऊपर भी x माइनस वन लिखना चाहती हूं। e टू दी पावर एक्स, एक्स माइनस थ्री है तो मैं ऐसा लिखना चाहती हूं। हो गया? क्या मैं लिख सकती हूं एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस वन माइनस टू? ये माइनस वन माइनस टू मिलकर माइनस थ्री बन गया। अगर मैं अलग अलग कर लूं इतना अपॉन होल क्यूब, एक्स माइनस वन अपॉन होल क्यूब माइनस टू अपॉन होल क्यूब, और क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? यहां समझ लेते हैं। ई टू द पावर एक्स, ये पावर वन और पावर क्यूब होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन होल क्यूब। अब हम लोग पहले से जानते हैं या सीखे हुए हैं, क्या सीखे हुए हैं कि ये एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है। आप बच्चों को पता होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। इसलिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, यहां मैं लिख सकती हूं एज वी नो। क्या हम लोग जानते हैं? ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसलिए इस पूरे को कह सकते हैं e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स यानी ऐसा प्लस सी। हो गया आंसर? आ गया e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया? अब आप बगल वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बगल वाला क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं।
से ध्यान देना है। क्वेश्चन है हमारा e^(x)(x^2+1) (x+1) का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है हमारा x^2+1/(x+1)2। क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग? इसे लिख सकते हैं e^(x)। अब इसे ब्रेक कर लेती हूं। मैं चाहती हूं ऊपर x प्लस वन बनाने का एक ही चॉइस मुझे दिख रहा है। क्या अब आपको बता देती हूं, क्या इसमें x प्लस वन भी है ना? a^2 - b^2 में a+1 × a-1 है। इसका मतलब मैं इसे लिख सकूंगी, यहां चेक कर लेते हैं, ये है हमारा e^(x)। मैं इसे लिख सकूंगी x^2-1। मैं अलग अलग सेपरेट करूंगी a^2 - b^2 क्या बनेगा? a+b × a-b अपॉन होल स्क्वायर, ये और ये कट गया, +2/(this)1। अब यहां क्या नजर आ रहा है? e^(x)(x-1)/(x+1)। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इन दोनों में कोई एक f और दूसरा f' है? चेक कर लेते हैं क्या है, समझ लेते हैं। यहां लिखा है, मैं मान लेती हूं इसे, लेट f(x)(f(x) के जगह ऐसा f'(x) u/v में भी कॉपी यू डिफ्रेंसिएट -u/v बाई भी का स्क्वायर। अब यहां पे x+1 - x+1 होल स्क्वायर 1+1 इट मीन्स 2। थोड़ा चेक कर लीजिएगा, यहां जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या ये सही है? अच्छा आप बच्चे बताइएगा, वीडियो ब्लर्ड तो नहीं है ना? सब सही चल रहा है ना? अब मैं इसे मान ली f(x), ये हो गया f'(x)। तो अब तो मैं लिख सकती हूं ना, क्या लिख सकती हूं, क्योंकि e^(x) f(x)+f'(x) dx को बोलेंगे हम लोग ऐसा, क्योंकि इसे हम ऐसा बोल सकते हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख सकती हूं। इतना इक्वल टू लिख सकती हूं e^(x)(f(x)+c, और यही हो गया हमारा परफेक्ट आंसर e^(x)(f(x) x-1/(x+1)+c e^(x)(f(x)+c। ये क्वेश्चन पूरा 4 मार्क्स का था। और अब इस पैटर्न का एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको ये होमवर्क बताना होगा, होमवर्क 3। ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैंने ऑब्जेक्टिव में दिया। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है, मतलब
आप बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये आज वाला कॉन्सेप्ट, नया वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। पढ़ के देखते हैं यहां क्या है। कॉन्सेप्ट कहता है, सबसे पहले आगे बाद में पढ़िएगा, अभी होमवर्क 3 को रिस्पॉन्ड करिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो लिखिए मैम होमवर्क 3 डाउट, और जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, जल्दी से क्वेश्चन वहां पूछ सकते हैं ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। e टू दी पावर x इंटू दिस वन, समझ लेते हैं इसे। इस e टू दी पावर x को, इस फंक्शन को दो टुकड़े में बदलना है। यह जो यहां दिया हुआ है इसे दो टुकड़े में बदलना है, एफ एक्स एफ डैश एक्स। कैसे देख लेते हैं। यह वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स और यह है साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझ लेते हैं। ई टू दी पावर एक्स वन प्लस कॉस एक्स को बोलेंगे टू कॉस स्क्वेयर। वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला याद दिलाऊं क्या होता है। फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर यहां प्लस है तो कॉस होगा, माइनस है तो साइन होगा। अगर टू थीटा है तो थीटा होगा उसका आधा, इसका मतलब अगर थीटा है तो उसका आधा थीटा बाई टू। यहां टू थीटा है तो उसका आधा थीटा होगा, इट मींस अगर थीटा है तो उसका आधा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होगा। उसी फॉर्मूले से वन प्लस कॉस एक्स का ये फॉर्मूला मैंने रख दिया। साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है, बता देती हूं। साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, अगर इसका हाफ एंगल लेती हूं, साइन एक्स का टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। वन प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इस टू से ये टू चला गया, इस कॉस से ये चला गया, आंसर कैसा होगा। साइन अपॉन कॉस टेन होगा, वन अपॉन टू सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। एक बार चेक कर लेती हूं, मैं मान लेती हूं एफ एक्स को टेन एक्स बाई टू, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको बंडल बना ली मैं। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इस टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सिक्स स्क्वायर एक्स, और इस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू। इसका मतलब हमारा आ चुका ये ई टू दी पावर एक्स। इस टेन एक्स बाई टू को एफ एक्स बोलेंगे और वन बाई टू सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू को एफ डैश एक्स बोलेंगे। हमें पता है कि इसका आंसर e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू टेन एक्स बाई टू प्लस सी है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया e टू दी पावर एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी। एक बार देख लीजिएगा कि क्या आप समझते हैं या इस पैटर्न के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवानी है। अब आप दो मिनट हमारी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। पहला, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा यूनिट था, आज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का हाफ पार्ट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीटली ओवर। मैंने बहुत मेहनत
किया और आप में से कुछ बच्चे भी हमारे साथ साथ लगातार मेहनत किए, रोज का रोज होमवर्क भी किए, तो मेहनत का फल मीठा होता है। प्यारे बच्चे, जो बच्चे हमारे साथ साथ इस रेगुलर कोर्स में प्रतिदिन का वीडियो लेक्चर टाइम से पढ़ते हैं और होमवर्क क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करते हैं, घर पर भी डेली होमवर्क बनाते हैं, उनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। यहां होमवर्क का फोटो आपको नजर आ रहा होगा। मैंने जितने होमवर्क यहां दिए हैं उसे आप बच्चे जरूर से जरूर बनाइएगा, क्योंकि एक बार आप अगर होमवर्क बना लेते हैं तो फिर दोबारा तिबारा की आवश्यकता पड़ेगी रिवीजन की, और एक बार बन गया तो रिवीजन करने में वक्त भी कम लगेगा और आप में एक्सपीरियंस यानी एक्सपर्टनेस यानी चैप्टर आसान भी लगने लगेगा और मजा भी आएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से डेफिनिट इंटीग्रेशन। थैंक यू।